नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मेरा नाम है आयुष आनंद। रीवा में महापौर चुनाव के बाद से ही खलबली मची हुई है। पिछले दिनों जहां बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ऋतुराज चतुर्वेदी द्वारा एक सैलून की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वहीं पार्टी एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। और इस बार मसला है जाति सूचक अपशब्दों के इस्तेमाल का। दरअसल बीजेपी के रीवा के एक नेता सत्येंद्र सिंह गुड्डा के द्वारा क्षत्रियों और ब्राह्मणों को अपशब्द कहे जाने का मसला सामने आया है। सत्येंद्र सिंह गुड्डा का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही लोगों में गुस्सा है। वायरल ऑडियो की पुष्टि विंध्या टाइम्स नहीं करता है, लेकिन वायरल ऑडियो में ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज पर टिप्पणी करने वाली आवाज सत्येंद्र सिंह गुड्डा की बताई जा रही है। और इनके जो पेज है, फेसबुक पेज है, उससे लाइव वायरल हुआ है। हालांकि सत्येंद्र सिंह ने इस ऑडियो को फर्जी बताया है और कहा है कि ये उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि ऑडियो सत्येंद्र सिंह गुड्डा का ही है। ऋतुराज चतुर्वेदी के मसले पर पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इस बार पार्टी का क्या रुख होता है, यह देखने वाला विषय है। हालांकि ऑडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑडियो पर अब जमकर बवाल शुरू हो गया है। आइए आपको ये वायरल ऑडियो सुनाते हैं। मजबूरी नहीं करने लगे, बड़ा से बड़ा ब्राह्मण
जब तक बाहर का खाना नहीं खाता है तब तक वो घर में खाना नहीं खाता। ये आप जान 50 एकड़ 100 एकड़ का ब्राह्मण 500 की नौकरी कर लेगा आपका और आपसे 5,000 मिल जाएगा। लेटरिन साफ करने में चपरासी में सब ड्यूटी ब्राह्मण के लिए है। वो जानते हैं ड्यूटी कहाँ करते हैं? सब जज के यहाँ करते हैं और जज के यहाँ दलाली करते हैं। इतनी खतरनाक जाति है वो। और शासकीय सुविधा बुढ़ान चली जाओ सारमा, जहाँ जानवर बांधे तो वहाँ एसी लगाएंगे, 5-5 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन भारत की खतरनाक गरीबी रेखा से जुड़ा हुआ है। प्रवास करेंगे, हमें मौका मिला राम पार्टी की तरफ 500 रुपया खाते अच्छा गाड़ी रहता है। शासकीय योजनाओं का लाभ सिर्फ ब्राह्मण दे रहा है। पुस्तक बनी है कि नहीं पढ़ावा के भाई रात को 50 साल। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने इस मसले पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सत्येंद्र सिंह गुड्डा मानसिक रूप से विक्षिप्त लगते हैं। जय श्री परशुराम। आज पूरे ब्राह्मण समाज में क्रोध का भाव व्याप्त है। जैसा कि आप सभी को शायद विदित हो चुका होगा कि सोशल मीडिया में एक क्लिप ब्राह्मण समाज को लेकर के एवं क्षत्रिय समाज को लेकर के भद्दी भद्दी गाली दी गई, और वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी के रूप में भी है, वह है सत्येंद्र सिंह उर्फ गुड्डा, जो कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का निवासी है, और उसके द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर के और क्षत्रिय समाज को लेकर के भद्दी भद्दी और ऐसी गालियां दी गई जो कि मैं सोशल मीडिया में बोल भी नहीं सकता हूं। ऐसे कलुषित विचारधारा के लोगों को, और जो कि विक्षिप्त, मैं तो ये कहूंगा कि ये विक्षिप्त व्यक्ति है, ऐसे समाज को और ऐसे इस तरह से राजनीति कैसे राजनीति की जा सकती है, और वह कि इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से, वरिष्ठ पदाधिकारियों से विनम्र आग्रह करूंगा कि ऐसे पदाधिकारियों को तत्काल निष्कासित किया जाए, और इसके खिलाफ अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज व क्षत्रिय समाज मिलकर के FIR करें, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के कुबुद्धि व्यक्ति अन्य कोई ऐसा ना पैदा हो और ना इस प्रकार से समाज को लड़ाने को विभक्त करके और राजनीति ना कर पाए। मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करूंगा कि समाज को ऐसे लोगों के द्वारा ही समाज विभक्त होता है, समाज में हम सब आपस। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद सत्येंद्र सिंह गुड्डा ने सोशल मीडिया पर अपना बयान भी जारी किया है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस बयान में सत्येंद्र सिंह गुड्डा ने क्या कुछ कहा। आप सभी को प्रणाम। जिस दिन से जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 5 से भाजपा समर्थित होकर मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, उस दिन से सिमरिया विधानसभा के राजनीति के छोटे बड़े नेता मुझे चुनाव हराने के लिए कई प्रकार के साजिशों को रचा, मेरे ऑडियो बनाकर कई बार ब्राह्मण समाज व क्षत्रिय समाज को अमर्यादित शब्दों को लेकर मेरा फर्जी ऑडियो जनता के बीच कई बार प्रसारित किया। इससे मेरी छवि खराब हुई। आज फर्जी ऑडियो सोशल मीडिया में प्रसारित किया, जिसकी जानकारी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री पुष्पेंद्र मिश्रा जी के द्वारा फोन में जानकारी प्राप्त हुई। आप सभी लोगों को सादर अनुरोध है कि राजनीति हमेशा दलगत से ऊपर उठकर होना चाहिए। आज फिर भी मेरा ऑडियो जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जारी किया गया वह पूरी तरह से फर्जी है। मेरा किसी ने मोबाइल में फर्जी ऑडियो बनाया है, उस ऑडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मण समाज हमेशा हमारे लिए पूजनीय रहे, क्षत्रिय समाज भी पूजनीय रहा, क्षत्रिय समाज भी पूजनीय है, आगे पूजनीय रहेंगे। मेरे विरोधियों की इतनी ऊंची मानसिकता हो सकती है, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था। फिर भी किसी परोच एवं अपरोच रूप से किसी को मेरी बातों से संपूर्ण ब्राह्मण समाज।
आज रीवा में भी ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा सिविल लाइन थाने में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया और सतेंद्र सिंह गुड्डा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई। आज कई दिनों से एक ऑडियो वायरल हो रही है जो फेसबुक ऑडियो लाइव है। उस ऑडियो में एक सज्जन के द्वारा, जो नाम उनका पटेल जी है, उपनाम कहते हैं सत्येंद्र सिंह गुड्डू उर्फ गुड्डू गुड्डा उर्फ कहते हैं, उनके द्वारा लाइव फेसबुक में एक ऑडियो वायरल हो रही। उस ऑडियो में उनके द्वारा क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज को अश्लील, अपमर्यादित, अपमानित करने के शब्दों का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। इससे समूचे देश में ऑडियो वायरल है और हर जगह से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि रीवा में इस प्रकार की ऑडियो और खुलेआम फेसबुक के माध्यम से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो दो वर्गों में संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने सिविल लाइन थाना प्रभारी महोदय को सामूहिक रूप से, समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय और सभी समाज के लोगों ने ऐसे अश्लील अपशब्द कहने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, जो अपराध है, जो ये क्राइम है, इस क्राइम को सामूहिक रूप से कहने वाले व्यक्ति को, जो संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उस संबंध में आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए और ये किसी कहे अनुसार किसी संगठन के एक नेता भी कहे जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व में रहने वाले व्यक्ति को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना निश्चित तौर से निंदनीय है। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, नहीं होती आगे कम होगी। निश्चित तौर से यदि गिरफ्तारी नहीं होती तो सभी समाज के सामूहिक लोगों से आग्रह किया जाएगा कि संदर्भ में मानी जो एक टेबल बना है, चैनल बना है, पुलिस अधीक्षक महोदय को, IG महोदय को, DGP महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, ताकि पुनरावृत्त भविष्य में नहीं होनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग भविष्य में नहीं करें, इसके लिए आज ज्ञापन सौंपा गया है। ये किस संगठन से हैं और किस पद पे? लोगों का कहना है कि ये किसी भारत जनता पार्टी संगठन से बिलोंग करते हैं, पर मेरा ये चिंतन है कि कोई भी संगठन, कोई भी दल इसके लिए अनुमति नहीं देता कि आप सामूहिक रूप से किसी संगठन का, किसी समाज का अपमान करें। नहीं, इसका जो संज्ञान है, तो जिसके जिलाध्यक्ष हैं अजय सिंह जी हैं ना, इस विषय का संज्ञान उनको लेना चाहिए कि इसमें वास्तविकता क्या है और नैतिक धर्म के आधार पर उनको अपना इस्तीफा भी देना चाहिए, क्योंकि ये जो रीवा है वो ब्राह्मण क्षत्रिय बहुल एरिया होता है और खुलेआम इस तरह से किसी को गाली देना, अभद्र टिप्पणी करना है ना, हम लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, पूरा समाज जो है पूरे विश्व में अपने आप को ठगा और अपमानित महसूस कर रहा है। सत्येंद्र सिंह गुड्डा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं। बीते दिनों हुए पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी जिला पंचायत की BJP से अधिकृत प्रत्याशी थी। सिमरिया विधायक और तमाम BJP नेताओं के साथ उनके फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से लोग वायरल कर रहे हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे आसन वाले नेताओं पर कार्रवाई करेगी, और यह पहला मसला नहीं है। BJP के तमाम पदाधिकारियों पर गाली गलौज जैसे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कई बार तो लीपा पोती ही मिलती है। और अब देखना होगा कि क्या BJP संगठन सत्येंद्र सिंह गुड्डा पर क्या कार्रवाई करता है और अब आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।